ये कक्षा 10वीं में रासायनिक अभिक्रियाएं व समीकरण, तो इसको हम रिवीजन हम कर रहे हैं। रिवीजन हम पहले भी कुछ क्वेश्चंस आपको बताए थे, कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताए थे। तो एक प्रश्न इसमें आता है कि रासायनिक समीकरण, रासायनिक जो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या है और यह क्यों आवश्यक है। प्रश्न लिख रही हूँ मैं, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब होता है कि अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद उनके परमाणुओं की संख्या दोनों पक्षों में बराबर होनी चाहिए, इसको हम बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। अब क्यों आवश्यक है? इसलिए आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार क्या होता है कि ना तो हम किसी पदार्थ द्रव्यमान को नष्ट कर सकते हैं ना उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए ये संतुलित करना क्या है, आवश्यक है। तो इसका उत्तर मैं लिख रही हूँ, आप देखेंगे। ये था संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में पहले व बाद में तत्व हैं
दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, तो वह संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब इसको संतुलित करना क्यों आवश्यक है आप देखेंगे। ये जो प्रश्न लिखा था उसका उत्तर है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम 9th में पढ़ा है, ना तो द्रव्यमान को उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, इसलिए समीकरण कैसा होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। अब अगला जो प्रश्न है इसमें से कुछ प्रश्न आते हैं कि जो समीकरण अपन पहले अध्याय में पढ़े हुए थे तो आप उनको क्या कर सकते हैं कि प्रश्न लिखा रहेगा शब्दों में, आप उसको सूत्रों और संकेतों में लिखिए और उसको क्या कीजिए, संतुलित कीजिए। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से संयोग करके अमोनिया बनाता है, तो इसको हमें समीकरण के रूप में लिखना है। नाइट्रोजन तो हमें नाइट्रोजन का सूत्र मालूम होना चाहिए, हाइड्रोजन का सूत्र मालूम होना चाहिए,
इसकी क्रिया करवाएंगे और क्या बनेगा, अमोनिया। क्या बनेगा, अमोनिया। तो आप देखेंगे कि इसके हमें संकेत और सूत्र जो कि कक्षा 9 में आप पढ़ चुके हो। तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लिए हम लिखेंगे N2। क्या लिखेंगे, N2। हाइड्रोजन के लिए क्या करेंगे, H2। संयोग कर रहा है मतलब प्लस लगाएंगे बीच में इस प्रकार, और क्रिया ये अभिक्रिया हो रही है और क्या बन रहा है, अमोनिया NH3। ये हमने इसको एक रासायनिक समीकरण के रूप में क्या कर दिया, लिख दिया। अब इस समीकरण को क्या करना है, संतुलित, क्या करना है, संतुलित। संतुलित समीकरण में क्या होगा, तो दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं, यहाँ नाइट्रोजन का 1 परमाणु है, तो इसको हम रफ में संतुलित करके देख सकते हैं। तो हम मान लो यहाँ 2 लगाते हैं, अब हाइड्रोजन यहाँ पर नीचे लिखे 2 परमाणु है, यहाँ हाइड्रोजन के 3 थे और 3 × 2 = 6 गुणा करते हैं, तो हाइड्रोजन के कितने हो गए, 6, और यहाँ कितने हैं, 2, तो हम यहाँ कितना लगा देंगे, 3, तो 3 × 6, तो ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। ये उस प्रश्न का क्या हो गया, उत्तर। हमारा प्रश्न था कि जो कथन दिए हैं उनको रासायनिक समीकरण में लिखिए और संतुलित कीजिए। अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन भी हम इस प्रकार बहुत सारे आपको हल करना है। यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड का वायु में दहन होने पर दहन होने जलना, तो यहाँ जल और सल्फर डाइऑक्साइड बनते हैं, तो हमें इनके संकेत और सूत्र मालूम होना चाहिए। हाइड्रोजन सल्फाइड का जो सूत्र है वो है H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड ये किससे क्रिया कर रहा है, वायु, वायु में दहन मतलब वायु में गैस है ऑक्सीजन O2, इसके साथ इसको जलाते हैं तो क्या बनता है, सल्फर, जल और सल्फर डाइऑक्साइड। जल का सूत्र सबको मालूम है H2O और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बनता है। यह है रासायनिक समीकरण, जो शब्दों में लिखा है उसको हमने एक संकेत और सूत्र के द्वारा इसको हमने एक समीकरण के रूप में लिखा है, तो ये इसका उत्तर है। लेकिन अभी हमें समीकरण को क्या करना है, संतुलित करना है, और समीकरण संतुलित करने के लिए हमें वही दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या क्या करनी पड़ती है, बराबर करनी पड़ती है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ देखते हैं हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ एस 1 है, यहाँ भी एस क्या है, 1। ऑक्सीजन यहाँ क्या है, 2, और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 2 और 1 3। इस प्रकार हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे,
हाइड्रो सब ऑक्सीजन को क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तीन है तो यहाँ मान लो 3O2, तीन दूनी छह, इस प्रकार हो गए। यहाँ हाइड्रो ये 2s2 हाइड्रोजन, यहाँ चार हो गए, यहाँ भी हाइड्रोजन चार, और इस प्रकार 2s2। अब हम देखते हैं समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। सल्फर यहाँ दो, यहाँ भी सल्फर के दो परमाणु हो गए, और इस प्रकार ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब हम तीसरा एक और उदाहरण लेते हैं, इसमें हम समीकरण को लिखेंगे और संतुलित करेंगे। एल्यूमिनियम सल्फेट की बेरियम क्लोराइड के साथ क्रिया कर एल्यूमिनियम क्लोराइड व बेरियम सल्फेट बनता है। एल्यूमिनियम सल्फेट, इसका सूत्र है Al2SO4 होल्ड थ्राइस। बेरियम क्लोराइड, इसका सूत्र है BaCl2। बनता है एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, और बनता है बेरियम सल्फेट। अब हमें ये देखना है ये समीकरण संतुलित है कि नहीं है, इसको हम देखेंगे। नहीं है क्योंकि यहाँ एल्यूमिनियम के दो परमाणु हैं, यहाँ एल्यूमिनियम का एक ही परमाणु है, तो इस प्रकार हमें समीकरण को यहाँ क्या करना है, संतुलित करना है। तो मान लो हम यहाँ एल्यूमिनियम के आगे 2 कर देते हैं, तो ये बराबर हो गया। सल्फर यहाँ पर 3 है, सल्फर के कितने परमाणु हैं, ये एस के 3, तो यहाँ 3। ऑक्सीजन यहाँ है 4 और 3 गुणा करेंगे तो 4 किया 12, ऑक्सीजन भी यहाँ पर कितना हो गया 12। अब बेरियम का यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, इस प्रकार ये 3। क्लोरीन के यहाँ 3 × 6 और यहाँ पर भी 3 × 6, इस प्रकार ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो हमें समीकरण को संतुलित करके लिखना है। अगला एक और उदाहरण हम लिखते हैं,
इनको हमें सूत्रों संकेतों में लिखना। पोटेशियम, पोटेशियम का संकेत है के, ये किससे क्रिया करता है, जल से, जल का सूत्र है H2O, क्या बनता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है KOH, वह बनती है हाइड्रोजन गैस। ये था समीकरण। अब हमें इसको क्या करना है, संतुलित करना है। तो पोटेशियम ये वाला पक्ष में और ये दूसरा एक ही है, यहाँ भी एक है, हाइड्रोजन दो, यहाँ हाइड्रोजन तीन है और ऑक्सीजन एक है, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन क्या है, एक है। ये हाइड्रोजन यहाँ चार हो गई है, तो यहाँ भी हम लेते हैं दो और दो चार, ऑक्सीजन दो, पोटेशियम दो। इस प्रकार ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित। इसके बाद आगे और भी इस पार्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो आप तैयार करके रखिए, पढ़ के रखिए, ताकि रिवीजन में आपको आसानी से समझ में आएगा। धन्यवाद।